नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने कुछ जो टेस्टिमोनियल प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे एफिलिएट मेंबर्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, जो हमारे एफिलिएट मेंबर हैं उन्हें हम पूछते हैं कि उन्हें एफिलिएट मेंबर बन के आज कैसा लग रहा है और उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए उसका क्या क्या रिजल्ट रहा। कुछ हमारे पास में जो नए एफिलिएट मेंबर्स हैं और कुछ हमारे पास में जो है सीनियर एफिलिएट मेंबर्स हैं। सीनियर जो देखिए, ये मॉडल जो हमें लगभग 2-3 महीने पहले हमने शुरू किया था, जिनको 2-3 महीने हो चुके हैं इस एफिलिएट मेंबर में, वो भी आज हमारे साथ में हैं, आज हमारे यहाँ पे प्रस्तुत हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके अनुभव भी हम आपके साथ में शेयर करें। तो हमारे साथ में मिस्टर गौरव। मिस्टर गौरव, आपको जो है एफिलिएट मेंबर बन के कैसा लगा और जो एफिलिएट के प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यूज़ किए, वो चाय कैसी लगी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे एफिलिएट मेंबर बनकर, और इसके प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किए, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, हेल्दी हैं, काफ़ी टेस्टी भी हैं। और गौरव जी, ये बताएं हमें कि जो ये चाय आप जो यूज़ की है आपने जो एफिलिएट मेंबर में, तो उस चाय में और जो आम चाय जो बाज़ार के अंदर मिलती है उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस ये है, एक तो टेस्ट का फ़र्क है, विदाउट केमिकल है, नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और काफ़ी मतलब नेचुरल जो हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होती हैं, वो बीच में ब्लेंड की हुई हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने जो अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया। अभी हम जो नेक्स्ट एफिलिएट मेंबर को बुलाना चाहते हैं अपने, तो हमारे सुभाष सर जो हमारे साथ में जो सीनियर एफिलिएट मेंबर हैं हमारी कंपनी के, तो इन्हों 3 महीने हो चुके हैं लगभग करीबन जो है एफिलिएट मेंबर से जुड़े हुए सुभाष जी को। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है सुभाष जी, वो बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसा अनुभव हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे लगे, और जो हम लोग इनकम की बात करते हैं इसमें अंदर के डिलीशियस चाय पीते पीते जो आप बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा अनुभव हमारे साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार मुकेश जी, चाय के बारे में तो अगर मैं बात करूं तो आज तक मैंने सुना ही था भी चाय कुछ ऐसा ही तत्व होता है, बट आज मुझे पता लगा अभी वाकई में ही चाय तो असली चाय तो यही है। मैं जब जिरकन चाय में आया तो मुझे ये नहीं था कि यहाँ कुछ इतनी बढ़िया चाय मिलेगी, लेकिन जब मैंने इसको अपनाया तो मुझे लगा भी वाकई ही ज़िंदगी में मैंने कभी जो चाय पी थी वो चाय नहीं थी असली में, चाय तो यही है। लगभग मेरे पहले तेजाब बनता था मुकेश जी, लेकिन जब से मैं ये जिरकन चाय मैंने पीने लगा हूँ मेरे तेजाब की ये समस्या बिल्कुल ख़त्म है। अब मेरे तेजाब नहीं बनता, मैं दिन में कम से कम 8 से 10 कप चाय पी लेता हूँ और बड़ा गुड फील होता है। रही बात इनकम की, तो इनकम के मामले में बताऊँ, पहले महीने में जो मेरा चेक था वो 10,500 रुपये का था, दूसरे महीने की मेरी उसी तरह वो इनकम बढ़कर मेरी 16,000 के तकरीबन हो गई थी, तीसरे महीने का आप मुझे देने वाले हो। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद सुभाष जी, जो आपने अपने अनुभव शेयर किए। तो इन आपसे हम कुछ और भी जानना चाहेंगे सुभाष जी, देखिए क्योंकि आपको 3 महीने हो चुके हैं, आप जो है सीनियर मेंबर हैं हमारे एफिलिएट के। देखिए दोस्तों, हम लोग आपसे डिस्कशन करते रहे हैं कि जो एफिलिएट का मॉडल है एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर आप डिलीशियस चाय पीते पीते जो है एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं, तो वो आज आपके सामने जो है हकीकत बन रहा है दोस्तों। आज 3 महीने हो चुके हैं इस मॉडल को और जो है ये देखिए आपके सामने इनकम जो है बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ती हुई जाएगी। अगर ये सिर्फ सेम स्पीड से भी लगे रहें तो 12 या 14 महीने के बाद एटलीस्ट जो इनका चेक होगा वो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास होगा मंथली इनकम, जो आप डिलीशियस चाय पीते पीते आप जो है इसकी अर्निंग कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा जो आप जो ये देखिए जो आप बता रहे हैं कि आप तेजाब बनता था अब नहीं बनता है, तो कौन सा जैसे कि क्योंकि देखिए हम लोग बताते हैं कि जो टी है वो हेल्थ ड्रिंक है, मोस्टली हम बोलते हैं हेल्थ ड्रिंक है, लेकिन जो हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस की गई जो प्रस्तुत की गई वो आज तक यही रहा एक आम आदमी के नॉलेज के अंदर कि जो चाय है वो थोड़ा ख़राब है, उससे जो है एसिडिटी बनती है, गैस बनता है, तेजाब बनता है, ऐसी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन जो ये ऑर्थोडॉक्स चाय हैं, ग्रीन टी है, या ये जो हमारी 24 टाइप्स की जो चाय है, तो इनमें जो आपको पीने के बाद आपको ये रिजल्ट आया, तो अब आप बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इससे गैस तेजाब नहीं बनता है, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क नज़र आया जो आप वो पीते थे, ठीक है, जो आप रूटीन में चाय पीते थे और आप जो पी रहे हैं उसमें कितना अंतर लग रहा है आपको क्वालिटी के बाद? मुझे जी क्वालिटी की अगर बात करें तो पहले चाय कभी पी है तो उसमें क्वालिटी कभी सोचा भी नहीं था, जो भी चाय मिली वही हमने पी ली, क्योंकि क्वालिटी तो थी नहीं, जैसे जो दुकानदार ने दे दी घर पर भी वो ले आए। इसके अलावा जो किसी यार दोस्त के घर रिश्तेदारी में कहीं भी चल गए, जो भी चाय बनाई गई थी उनके मान सम्मान के लिए चाय पी, परंतु वो चाय पीते थे तो उसके कप के अंदर जो हम लास्ट के अंदर 1 या 2 घूंट छोड़ देते थे, क्योंकि वो लोगों की खुशी के लिए पीते थे कहीं बंदा नाराज ना हो जाए। लेकिन जब से ये चाय हमने पीनी शुरू की है,
इसमें अगर हम एक कप पी लें तो कोशिश रहती है भी अगला कप भी हमें मिले। क्वालिटी की बात करें तो जो ग्रीन टी आज तक मैंने सुनी थी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, पहले आज 3 महीने पहले मैंने एक या दो बार कभी ग्रीन टी चाय पी थी, वो पीने में इतनी अच्छी नहीं थी। और जो अपने वाली ये जिरकन की ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ये जो अलग अलग फ्लेवर में है मुकेश जी, इसका टेस्ट तो अलग ही है, आदमी बोर नहीं होता। जैसे कि रोज टी है, उसमें रोज का है और मिंट है या लेमन है या कश्मीरी कावा है, ये अलग अलग फ्लेवर में है, तो जिज्ञासा वो जागती ही रहती है भी बंदा तरह तरह की टी है पीता रहे। चाय में है जो दूध वाली है, उसमें जो अलग अलग चाय अलग अलग फ्लेवर में है, जैसे कि पंजाबी चाय है, मारवाड़ी है, गुजराती है, कलकत्ता है या मुंबई कट है, तो उनका भी अलग अलग टेस्ट है। टेस्ट के माध्यम से बंदा कभी ना तो बोर हो सकता और ना इसे जिज्ञासा कभी बढ़ती है, तो ये मन करता भी हम ये चाय पीते रहे मुकेश जी। जी स्वा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि चाय हमारी संस्कृति में शामिल हो चुका है कि ये हमारी संस्कृति का अहम पार्ट बन चुका है कि पानी के बाद जो दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो चाय पूछी जाती है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ जो हमारे कल्चर में शामिल हो चुकी है और उससे अगर इनकम आ रही हो, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई इंसान के वो कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो क्या ये, देखिए जब आप आए थे तो हमने बताया था आपको कि सर ऐसे इसमें इनकम भी आती है, तो तब शायद आपने ये कहा था कि चलो इनकम तो छोड़ो, हम चाय ज़रूर यूज़ करके देखूँगा, आपकी चाय अच्छी लगी, आपने ऐसा कुछ कहा, लेकिन अब वो हकीकत बनते हुए जा रहा है, तो आपको कहां तक लगता है कि इससे कहां तक की अचीवमेंट की जा सकती है? देखो, अचीवमेंट का अगर मैं कहना चाहूंगा तो मुझे नहीं था भी एक महीने में मैं 10 से 12 हज़ार कमा लूंगा, लेकिन ये मजाक मजाक में मैंने इतने तक मैं पहुंच गया, तो जैसे दूसरे महीने में 16 हज़ार तक, तो इनकम मैं कहता हूं इसका कोई दायरा नहीं है। अगर इसमें यही है चाय पीना और पिलाना, मैं ज़्यादा ज़्यादा मेरे दोस्तों में प्रमोट करूँ, रिश्तेदारी में प्रमोट करूँ, मिलने जुलने वालों में प्रमोट करूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि BMW मुझसे दूर नहीं है, जो भी कंपनी ने मुझे बता रखा है इसका प्लान है, तो ये इनकम तो इसका कोई दायरा नहीं है सर। इनकम मैं इसमें कितने ही कमा सकता हूँ, बट सबसे पहले यह भी मेरा हेल्थ का भी इसमें सबसे बढ़िया, यह भी हेल्थ का भी बेनिफिट है, हेल्थ के साथ साथ इनकम है वो आपकी बढ़ती ही जाएगी, मैं जितना काम करूँगा उतना इसमें पा सकता हूँ मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने जो अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में अपने विचार साझा किए। तो हम अगले एफिलेट मेंबर्स को बुलाना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रामनिवास नूनिया जी। रामनिवास जी, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आपको हमने जब चाय ऑफ़र की, आपने हमारे ऑफ़र को जो है स्वीकार किया और आपने वो चाय यूज़ करनी शुरू की, तो कैसी लगी डॉक्टर साहब वो चाय आपको, जरखंड की जो चाय है जो एफिलेट की, वो कैसी लगी सर? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और यहाँ आगे मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ मैंने नाम दो ही प्रकार की चाय, यहाँ आके मुझे 24 प्रकार की चाय का अनुभव हुआ है, 16 तो विदाउट दूध और 8 दूध वाली। इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं सर, इसमें हार्ट केयर है जो बहुत ही बढ़िया होती है सर, इसमें मिला हुआ होता है, और सर एक होती है वो स्लिम टी, इससे वेट भी आप लूज कर सकते हो सर, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। डॉक्टर साहब, आप तो देखिए बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी लाइन में तो काफ़ी अच्छी इनकम हैंडसम अर्निंग होती है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ चाय पीते पीते, हमने कहा कि डिलीशियस चाय पीते पीते भी अच्छी इनकम हुई आपको, लगभग 3 महीने हो चुके हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, तो आप थोड़ा सा इनकम पे भी अपना बताइए कि कितनी इनकम आपको हुई पार्ट टाइम जो चाय पीने और पिलाने से। सबसे पहले तो मैं यहाँ जब भी आया तो चाय पीने और पिलाने से स्टार्टिंग में मैंने लिया प्लान, तो फर्स्ट महीने मुझे 8,000 आया, अब 12,000 रुपये आए, और मैं पार्ट टाइम ही करता था, लेकिन अब फुल टाइम करना आगे नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो अपना कीमती समय में दिया और आपने जो है हमारे दर्शकों के सामने अपने जो है विचार जो है साझा किए। अभी जो सुखविंदर हैं हमारे नेक्स्ट एफिलेट मेंबर, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, ये चाय पी के कैसा लगा, और आपकी फैमिली में जब ये चाय गई तो उनको कैसा लगा? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और एफिलेट मेंबर बनकर बहुत अच्छा लगा, हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतने प्रकार की चाय भी हो सकती है जी, ज़िंदगी में पहली बार सुना है सर भी इतने प्रकार की चाय होती है, और अब तक तो समझो कि डस्ट ही पी रहे थे, अब अच्छा लगा यहाँ आकर और इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली कि इतने प्रकार की चाय होती है, और पीकर भी अच्छा लगा जी। तो सुखविंदर जी, आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो भी ये जरखंड की एफिलेट की चाय पिएं और अपने जो है अपनी जो दिनचर्या को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहना चाहूँगा
कि इस चाय को एक बार ज़रूर पीकर देखें, और अगर आप एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे, और दोबारा फिर से इस चीज़ की डिमांड आपके लिए ज़रूर रहेगी। आप एक बार इसके यूज ज़रूर करके देखें। आपने सबसे पहले कौन सी चाय इस्तेमाल की सुखविंदर जी, यहाँ पर जो 24 तरीके की चाय है उसमें से कौन सी चाय आपने इस्तेमाल की और कैसा लगा वो पी? सबसे पहले मैंने कश्मीरी कावा यूज करके देखी, जो विदाउट मिल्क है, वो अच्छी लगी मेरे को। तो उसके बाद मैंने एक दो चाय और यूज करके देखी और अच्छी लगी। रोज़ टी भी देखी, वो भी काफ़ी अच्छी लगी। सर सुखविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने विचार साझा किए हमारे साथ में। तो बेस्ट ऑफ लक, आप जो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और ये चाय जो है आप पीते रहें अपनी ज़िंदगी में और पिलाते रहें। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ में अगले एफिलिएट मेंबर हैं हमारे हरमीत सर जी। तो हरमीत सर जी से हम जानना चाहेंगे कि सर आपको कैसा लगा एफिलिएट मेंबर बनकर और ये चाय इस्तेमाल करके आपको जो कैसा लग रहा है? मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को आपने एफिलिएट बनने का मौका दिया, एफिलिएट मेंबर बनने का। एफिलिएट मेंबर बनने के बाद मैंने चाय जब टेस्ट की, मुझे पता लगा चाय असल में चीज़ क्या होती है। अब तक जितनी भी चाय पी सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन यहाँ चाय भी पी रहे हैं, चाय के साथ साथ अर्निंग भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है हर चाय का टेस्ट अलग है, जितनी भी चाय जितनी बार मर्जी पी लो उसका टेस्ट गले से जाता ही नहीं है। चाय वैसे तो डेली नीड की चीज़ होती है। सवेरे हर आदमी सोचता है माइंड फ्रेश करने के लिए चाय पी जाती है, लेकिन यहाँ आके पता लगता है चाय से माइंड फ्रेश होता कैसे है। तो हरमीत सर अभी तक आप कौन कौन सी चाय यूज़ कर चुके हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं और कैसा लगा आपको यूज़ करके? मुकेश जी आज की चाय का असली टेस्ट यहाँ की चाय, चाहे हमने बिना दूध की चाय पी है चाहे दूध वाली चाय पी है, टेस्ट तो उसमें आता है जी। तो सर जो आपने कश्मीरी कहवा पिया होगा या रोज़ टी पी होगी, तो रोज़ टी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे सर, कैसा टेस्ट है आपको उसका? रोज़ टी जैसा कि नाम से ही पता लगता है, रोज़ यानी गुलाब, इसके अंदर वास्तव में गुलाब की पत्तियां जो मिली हुई हैं उसका जब टेस्ट आता है दिमाग को फ्रेश करता है, दिमाग को ठंडा करता है। गुलाब वैसे भी सेहत के लिए ठंडा अच्छा माइंड को फ्रेश करने वाली चीज़ होती है। तो इसके अंदर तो हम देख रहे हैं रोज़ टी के अंदर प्योर गुलाब की पत्तियां मिली हुई हैं, तो बहुत अच्छी लगी है। चाय के साथ गुलाब की पत्तियों का टेस्ट लेके और भी ज़्यादा आनंद आता है जी। तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी फ्लेवर टी हैं तो उसमें कोई आर्टिफिशियल एसेंस नहीं है, कोई सेंट यूज़ नहीं किया गया है जरखंड टी कंपनी के द्वारा, वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है। अगर रोज़ टी है तो उसके अंदर ओरिजिनल रोज़ लीफ है, अगर मिंट टी है तो उसके अंदर ओरिजिनल मिंट के लीफ डाले गए हैं, यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो सब जेन्युइन फ्लेवर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरमीत सर आपने जो अपने विचार हमारे साथ में साझा किए, और अगले एफिलिएट मेंबर को हम बुलाना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे अगले एफिलिएट मेंबर हैं मिस्टर अमित कुमार। अमित कुमार जी आपको जो है एफिलिएट मेंबर बन के कैसा लगा और आपको जो प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा जरखंड टी कंपनी का? नमस्कार सर जी, सबसे पहले मैं ये बताऊँ मैंने कभी भी पहले चाय नहीं पी है। इस कंपनी में आने के बाद में सुभाष सर ने मुझे बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि चाय क्या होती है, और यहाँ पर मैंने एक सिर्फ कश्मीरी कहवा और रोज़ टी यूज़ की है, बाकी भी सभी प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेटर हैं। और इससे पहले मैंने एक बार चाय पी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, कहीं गया हुआ था तो उस टाइम छाले हो गए थे मुँह में, तो उसके बाद मैंने कभी भी चाय यूज़ ही नहीं की। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि चाय का क्या टेस्ट होता है। और एक और सर मैंने ये सुना है कि ब्लैक टी होती है, जो कभी मैंने सुना था कि अलग इंडिया में, इंडिया से बाहर अदर कंट्री में इसका यूज़ किया जाता, तो अब मुझे पता चला कि कंट्री के अंदर भी अपने इंडिया में भी इस चाय का यूज़ होता है। जी अमित जी बहुत सही बताया आपने, ब्लैक टी जो है देखिए दोस्तों जो है ब्लैक टी 20 कप एप्पल जूस के बराबर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्लैक टी के अंदर, और ग्रीन टी तो जो देखिए डॉक्टर टी होती ही होती है, उसमें वो काफ़ी डिजीज़ को कवर करती है, जैसे अल्जाइमर में अच्छा रहता है, पार्किंसन डिजीज़ के लिए अच्छी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करती है, आपके एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी हर कैमेलिया सिनेंसिस टी के अंदर होती है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं चाय के, लेकिन जो आम पब्लिक है उन्हें अभी तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस होगी तो उन्हें पता चलेगा कि चाय जो है वो एक हेल्थ ड्रिंक है, ना कि वो खराब करती है। तो आपको जो है ये क्वालिटी काफ़ी पसंद आई, आपने यहाँ पे पिया, यहाँ पे चाय पी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को कि वो जो जरखंड की चाय यूज़ करें या नहीं करें या कैसा?
सर जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब जो भी यूज़ करें चाहे वो जरकन टी कंपनी की यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है और ये मनी में भी सस्ती है और इससे ज़्यादा बेटर और चाय किसी भी कंपनी की नहीं मिलेगी। ये सबसे बेटर चाय है और इसके इसका एक और बेनिफिट है, क्योंकि जितनी आप चाय पियोगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम भी आती रहेगी। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, ये जो एफिलिएट मॉडल है एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जिसके अंदर आप डिलीशियस चाय पीते पीते एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना समय दिया और अपने विचार हमारे दर्शकों को बसात में अपने विचार साझा किए। और दोस्तों, अगर आप भी एफिलिएट मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जो है साइट पर पहुँचेंगे और वहाँ से बिकम एफिलिएट का लिंक आप जो है जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आप जाके जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप जो है एफिलिएट मेंबर बन जाते हैं। हमारे सीनियर जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसके साथ में एक खुशखबरी ये भी है कि एफिलिएट मेंबर बनने के लिए जब बनते हैं तो एफिलिएट का पूरा कोर्स आपको जो है लेवल वन का कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे आप डिलीशियस टी पीते पीते लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आ जाएंगे नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।